मेवातियों की आंखें ठिकाने लगाएंगे योगी, कर दिया बड़ा ऐलान, 5000 हिंदू हो गए हैं तैयार। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। हरियाणा के नूह में 30 जुलाई को जो हिंसा हुई उसके बाद से ही लगातार ये बताया जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। वैसे भी हरियाणा में जो नूह में हिंसा हुई उसके बाद जो बुलडोजर चला, मुसलमानों को यही लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही ये बुलडोजर भेजा है। मनोहर लाल खट्टर के बस की है नहीं कि वो इस तरह का एक्शन ले सके। ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ को ही कोसते हुए नजर आए, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और 5000 हिंदू जो है वो तैयार हो गए हैं और कल ही हरियाणा की तरफ कूच करेंगे और मेवातियों की आंकलों को ठिकाने लगाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गई हैं, लेकिन क्या कुछ कल होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का ऐलान किया गया है, मेवातियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। दरअसल हरियाणा के नूह में 30 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिस वजह से यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब 28 अगस्त को नूह के नलहड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश से हिंदू युवा वाहिनी ने जल अभिषेक के लिए हरिद्वार और वाराणसी से गंगा जल मंगवाया। उत्तर प्रदेश के हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से 2100 गाड़ियां नूह जाएंगी। उन्होंने लगभग 5000 भक्तों के नलहड़ मंदिर पहुंचने का दावा भी कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई हैं। वहीं पर एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू युवा वाहिनी के नेता आयुष त्यागी का कहना है कि उनकी दो टीमें वाराणसी और हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए निकल भी गई हैं। शनिवार को टीमें गाजियाबाद पहुंच जाएंगी। 28 अगस्त को गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बड़ौत, शामली के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता नूह के लिए कूच कर देंगे। हिंदू युवा वाहिनी के नेता आयुष त्यागी की तरफ से ये बताया गया है कि नूह के नलहड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से ना तो कोई यात्रा निकाली जा रही है और ना ही कोई डीजे बजाया जाएगा। सावन के आखिरी सोमवार को हम बस वहां जलाभिषेक करने के लिए जाने वाले हैं। वहीं नूह के नलहड़ महादेव मंदिर को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जलाभिषेक के लिए क्यों चुना गया है, इसको लेकर भी आयुष त्यागी ने जवाब दिया। उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी के आतंक की वजह से वहां के मंदिर में भक्तों का आना जाना बंद हो जाए, इसीलिए नलहड़ महादेव मंदिर में हम जलाभिषेक करने जाएंगे ताकि किसी को आगे से कोई डर का सामना ना करना पड़े और किसी भी आतंकी की वजह से वहां पर पूजा अर्चना ना बंद हो। हिंदू संगठनों की ओर से 28 अगस्त यानी कि कल को ब्रज मंडल यात्रा की घोषणा के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हो गई हैं। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार शाम से ही बंद कर दी गई हैं और 29 अगस्त तक वो इंटरनेट सेवा बंद ही रहेगी।